प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास टेंथ में आपका वेलकम है। आज हम कोण और रेडियस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम सब मिलकर करेंगे। आज दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज से हम प्रण लेते हैं कि आपके एक एक टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ाएंगे और जब तक आपके अंदर की सारी कमजोरियाँ दूर नहीं हो जाती हैं तब तक पढ़ाते रहेंगे। इसी के साथ बच्चों हमें कहना है, अधीर हो कभी नहीं, विपत्तियां हजार हो, रुको नहीं झुको नहीं, रुकावटें अपार हो, गुलाब सा खिले सदा, सुगंध सृष्टि में भरे, असंख्य हो विरोध में, प्रपात सा झरा करे, प्रपात सा झरा करे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कोर्ड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर। एक वृत्त के कोण की लंबाई ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर और केंद्र से कोण तक की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम लेट करेंगे, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्किल, सेंटर ऑफ ए सर्किल सेंटर ऑफ ए सर्किल लेट ओ बी द कोण लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड ए बी द कोण ऑफ सर्किल ठीक है बच्चों, एंड रेडियस OA इक्वल टू 17 सेंटीमीटर क्लियर। अब इसमें बच्चों करते हैं ड्रा ड्रा ओएल परपेंडिकुलर टू एबी, ओएल परपेंडिकुलर टू ऑन कोण एबी ज्वाइन OA, OA को हमने ज्वाइन कर दिया, क्लियर। देन OL इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड OA इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। सिंस एंगल OLA 90 डिग्री यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT
एल स्क्वायर प्लस एल ओ स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर. एल इंप्लाइज दैट एल स्क्वायर एल ओ एट गिवन है बच्चों एट का स्क्वायर और ए बी 17 का स्क्वायर इंप्लाइज दैट एल स्क्वायर 64 17 का स्क्वायर होता है 289 implies that AL square equal to 289 64 का ट्रांसपोज करेंगे बच्चों इस तरफ माइनस विच कन्वर्ट होगा implies that AL square equal to 225 तो AL आ जाएगा इक्वल टू रूट 225 यहां पर सॉल्व कर देंगे AL AL इक्वल टू रूट 15 इंटू 15 एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर क्लियर. इतना नोट कीजिए प्रिय बच्चों हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है तो एयर फाइंड हो गया एल बी भी एल जो है एल बी के क्या होगा इक्वल होगा तो ए बी इक्वल टू कोड ए बी इक्वल टू ट्वाइस एल हो जाएगा. ठीक है हम स्टेटमेंट लिखेंगे वी नो दैट वी नो दैट हम जानते हैं कि वी नो दैट द परपेंडिकुलर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू ए कोण बाइसेक्ट द कोण तो एल ओ एल परपेंडिकुलर कोण ए बी सो रो एल इक्वल टू एल बी इंप्लाइज दैट कोण
ए बी इक्वल टू ए एल प्लस एल बी इक्वल टू ए एल प्लस ए एल हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया ट्वाइस ए एल, यानी कोड कोड ए बी, कोड ए बी बच्चों आया ट्वाइस ए एल। ठीक है, यहां पर इतना नोट कीजिए, यहां लिख देंगे कोड ए बी इक्वल टू एल की वैल्यू हमने 15 फाइंड की है, 15 टू जा 30 सेंटीमीटर। कोड ए बी आ गया बच्चों 13 सेंटीमीटर, इसको नोट कीजिए। बिठा दें, बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड यह है, इसमें कह रहा है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड, ए बी और सी डी दो समांतर जीवाएं हैं। ठीक है, कोड ऑफ ए सर्किल, ए बी और सी डी दो समांतर जीवाएं हैं वृत्त की, इन विच आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, जो केंद्र ओ से विपरीत दिशाओं में है, सच दैट, जैसा कि ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए बी कोड ए बी की लेंथ बच्चों कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड सी डी, सी डी की लेंथ जो है कितनी की दी गई है 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, कोड ए बी और सी डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है 17 सेंटीमीटर, यानी एम एल 17 सेंटीमीटर दी गई है। इसमें पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, क्या पूछ रहा है बच्चों फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, क्लियर, हमें रेडियस बतानी है यानी वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी बी टू कोड्स ऑफ द सर्किल, लेट ए बी एंड सी डी बी टू कोड, टू कोर्स ऑफ द सर्किल, ओ आर हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों सेंटर को, आर किसको रिप्रेजेंट करता है रेडियस को। ठीक है, सच दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के क्या है बच्चों पैरेलल है, ए बी जो है सी डी के समांतर है। आल्सो ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर,
क्लियर। अब हम करेंगे वी ड्रा डी आर ए डब्ल्यू वी ड्रा ओ एल परपेंडिकुलर ऑन कोड ए बी। ओ एल इज द परपेंडिकुलर ऑन कोड ए बी एंड ओ एम OM is the perpendicular on chord CD. Clear? Join OA and OB. Clear बच्चों? Join OA and OC. क्लियर। देन ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर रेडियस ऑफ द सर्किल आर सेंटीमीटर हमने लेट कर लिया। सेंस यहां पे एक पॉइंट और लिखेंगे याद कर लीजिएगा। सेंस ओ एल परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी AB parallel to CD. The point show the points so the points LOM LOM are collinear. C O double L C O double L I N E A R collinear. इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. इसको मिटा दे बच्चों। Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आ गया? प्रिय बच्चों हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से कोड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो लिखेंगे हम स्टेटमेंट वी नो दैट हम जानते हैं कि वी नो दैट द परपेंडिकुलर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ द सर्किल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड बाइसेक्ट द कोड क्लियर। वी है वी वृत्त
के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समान खंडों में डिवाइड करती है। वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। ए एल इक्वल टू आ जाएगा बच्चों ए बी बाई टू, और हमारा ए बी कितना गिवन है 10, 10 बाई टू बराबर ये 5 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ रहा है, यानी 5 सेंटीमीटर ए एल हो गया। इसी प्रकार हम सी एम निकाल सकते हैं, सी एम इक्वल टू सी डी बाई टू। सी डी हमारा कितना गिवन है बच्चों 24 बाई टू डिवाइड करेंगे ये आएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर, कितना नोट कीजिए। इतना नोट कीजिए, नोट कर लिया? यस सर। अब लेते हैं हम ट्रेंगल ओ ए एल, ठीक है बच्चों। ए एल हमने कितना फाइंड कर लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ एल हम लेट कर लेंगे, कितना लेट करेंगे ओ एल को, हम यक्स लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे बच्चों? यक्स। क्लियर, जब यक्स लेट करेंगे तो ओ एम, ओ एम की लेंथ हो जाएगी 17 माइनस यक्स। ओ एम की लेंथ क्या हो जाएगी, ओ से एम तक की, ओ से एम तक की लेंथ हो जाएगी 17 माइनस यक्स, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम द राइट ट्रेंगल ओ एल ए वी है ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। क्लियर, ओ ए किससे रिप्रेजेंट किया हमने, आर से, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ओ एल को हमने यक्स रिप्रेजेंट किया है, ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ए एल, ए एल बच्चों 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, अब इसी प्रकार हम ट्रेंगल लेंगे ओ एम सी, यहां लिखेंगे फ्रॉम द राइट ट्रेंगल ओ एम सी, इसमें लेंगे ओसी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और ओ एम हमने यह है 17 माइनस एक्स का स्क्वायर, और सी एम ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ओ सी आर को रिप्रेजेंट करेगा, आर स्क्वायर, ये बना दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना नोट कीजिए, नोट कर लिया, बिठा दें। यस सर।
फ्रॉम ए आर स्क्वायर। अब लेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, ये हो जाएगा यानी आर स्क्वायर क्या होगा बराबर होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 25, इधर की वैल्यू आई है 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्लियर। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब यहां पर बच्चों लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 17 इंटू एक्स, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये हो गया क्लियर। अब इसमें बच्चों एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्लियर। ये हुआ 25, 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 का स्क्वायर बताओ 289, कितना होता है बच्चों 289, 17 टू जा कितना हुआ 34 माइनस का 34 एक्स प्लस 144, क्लियर। यस सर। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, इंप्लाइज दैट 25 और 289 में 144 ऐड करेंगे कितना आएगा 433 माइनस का 34 एक्स, क्लियर। अब 34 एक्स का ट्रांसपोज करेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और 25 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो इनके साइन क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 34 एक्स 433 माइनस 25, क्लियर। फिर ये बच्चों आएगा 34 एक्स सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 408 हमारा आ गया, क्लियर। अब एक्स इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू आ जाएगा 408 डिवाइडेड बाई 34, 34 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं 34 वंजा 34 यानी इसको डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा 12, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, कितना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? यस सर। ऑफ एक्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट
वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट बच्चा क्या था, आर स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स की वैल्यू से पुट कीजिए, आर स्क्वायर एक्स की वैल्यू 12 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर इक्वल टू 25 आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, ये आर स्क्वायर इक्वल टू 169 होगा। अब इसका रूट्स निकालेंगे, आर इक्वल टू रूट 169, तो ये इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू रूट 13 इंटू 13 इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू कितना है बच्चों 13 सेंटीमीटर आ गया। अब लिख देंगे हेंस द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, हेंस द रेडियस, हेंस द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 13 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों आंसर, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मिटा दें? प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके पहले हमने भूल से यहां पे थर्ड लिख दिया था, वो क्वेश्चन नंबर टू है। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल पोल्स ऑफ ए सर्किट विद सेंटर ओ। इस दिए गए चित्र में ए बी और सी डी दो समांतर जीवाएं हैं, वृत्त जिसका केंद्र ओ है एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर गिवन है, यानी ओए और ओसी बच्चों कितना है 5 सेंटीमीटर। सच दैट जैसा कि एबी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कोण एबी की लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है एंड सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इफ ओपी परपेंडिकुलर ऑन द कोण ए बी एंड ओ क्यू इज द परपेंडिकुलर ऑन द कोण सी डी डिटरमाइन द लेंथ पी क्यू। तो हमें पी क्यू लेंथ की लंबाई का निर्धारण करना है, यानी PQ लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। कोई प्रॉब्लम? यस सर। इसमें बच्चों दिया गया है साफ साफ, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, वी नो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की साइन होती है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल सी आई आर सी एल ई सर्किल टू ए कोण, टू ए कोण
bisect the core. PISECT. Bisect the core. समझ में आया बच्चों? हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समान खंडों में डिवाइड करता है। जीवा को समान खंडों में डिवाइड करता है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? एपी हो जाएगा बच्चों हाफ ए बी, और हमारा ए बी गिवन है 1/2 × 8, यानी आ गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर? इसी प्रकार हम सी क्यू निकाल सकते हैं। सी क्यू इक्वल टू हाफ सी डी, और ये हाफ है। सी डी की लेंथ कितनी दी गई है बच्चों? 6। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमने क्या किया, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ओ ए एंड ओ सी को ज्वाइन कर दिया। देन ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमारी कितनी आई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। क्या लिख देते हैं? फ्रॉम द राइट एंगल, द राइट एंगल, फ्रॉम द राइट एंगल, राइट एंगल नहीं, राइट एंगल, ट्रेंगल, ए एन जी एल ई डी, राइट एंगल ट्रेंगल, कौन सा ले रहे हैं? ओ पी ए, ओ पी ए, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे? ओ पी, ओ पी स्क्वायर हम निकालेंगे। ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, माइनस ए पी स्क्वायर। क्लियर? कितना नोट कीजिए, फिर इसको मिटा के लिखेंगे। नोट कर लिया? मिटा दे बच्चों? बच्चों ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, अभी बताए थे ओ ए स्क्वायर माइनस का ए पी स्क्वायर, ये लिखे थे ना। अब इसमें ओ ए, ओ ए कितना दिया गया है? ओ ए बताइए 5। ओ ए 5, रेडियस 5 ही दिया गया है, समझ में आ रहा है? और एपी हमने कितना फाइंड किया है? 4। कितना फाइंड किया है? 4। अब इसको सॉल्व करो, ओपी स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25। और 4 का स्क्वायर 16, ओपी स्क्वायर कितना आएगा? 9। ओपी इक्वल टू क्या आ जाएगा? √9
ओपी इक्वल टू ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, कितना आया 3 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए, नोट कर लिया? Yes, आगे बढ़े। अब लिखेंगे फ्रॉम द राइट एंगल, फ्रॉम द राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ओ क्यू सी, ओ क्यू सी। क्लियर? वी हैव यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। अब इसमें निकाल लेंगे ओ क्यू स्क्वायर, इंप्लाइज दैट ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस सी क्यू स्क्वायर। बच्चों ओ क्यू कितना गिवन है? 5 है। ओ क्यू ओ सी, ओ सी कितना गिवन है? ओ सी, ये रेडियस है ना, रेडियस हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5, यानी 5 का स्क्वायर और सी क्यू, सी क्यू कितना है? 3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। यानी ओ क्यू स्क्वायर फिर ओ क्यू स्क्वायर इंप्लाइज दैट। क्लियर? तो ओ क्यू कितना आ जाएगा? 16। यही तो आएगा। फिर इंप्लाइज दैट क्या लिखेंगे? इंप्लाइज दैट यहां पर लिख दे ओ क्यू, ये रूट 16 होगा। फिर इंप्लाइज दैट ओ क्यू कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? हैं? अब यहां पे हम रीजन लिखेंगे, इतना नोट कर लीजिए, फिर मिटा के लिखते हैं। समझ में आया? यस सर। मिटा दें? यस सर। लिखेंगे सिंस ओपी परपेंडिकुलर ऑन कोण एबी एंड ओक्यू परपेंडिकुलर ऑन कोण सीडी, सीडी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चों, एंड ए बी पैरेलल टू सी, ए बी जो है सी डी के क्या है? पैरेलल है। क्लियर? तो क्या हो गया? द पॉइंट्स पी ओ आई एन टी एस, द पॉइंट्स पी ओ क्यू, पी ओ क्यू आर कोलिनियर, आर कोलिनियर सी ओ डबल एल आई एन ई ए आर कोलिनियर, ठीक है। देयरफॉर इसका मतलब ये हो गया पी ओ क्यू बिंदुए जो है संरेख है, यानी एक ही लाइन पर है, ठीक है। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस
OQ, OP कितना गिवन है बच्चों? 3, और ये कितना है? 4, ये हो गया सेंटीमीटर, ये कितना आया? 7 सेंटीमीटर, यही तो हमें फाइंड करना था, ये हो गया आंसर, इसको नोट कीजिए। बिठा दे बच्चों। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टू पैरेलल कोर्स ऑफ ए सर्किल with center O, with center O and radius 5 cm such that AB equal to 6 cm and CD equal to 8 cm. If OP perpendicular on chord AB and OQ is perpendicular on chord CD, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ PQ, यानी PQ की लेंथ हमें फाइंड करनी है। इस चित्र में AB और CD दो समांतर जीवाएं हैं, जिसके वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या बच्चों 5 सेंटीमीटर है और कोण AB की लेंथ यानी जीवा AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, जीवा CD की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, OP जीवा AB पर लंब है, OQ जीवा CD पर लंब है, तो हमें PQ लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है? ये क्वेश्चन गिवन है। हम यहां लिखेंगे सिंस OP perpendicular AB and OQ perpendicular CD and AB parallel to CD, ये बच्चों गिवन है। द पॉइंट PQO, OQP आर कोलिनियर क्लियर। हम ये जानते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। We know that the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord, ठीक है बच्चों? ये लिखेंगे We know that, हम जानते हैं कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कोड टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड
बाइसेक्ट बाइसेक्ट्स द कोर। वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए बच्चों हो जाएगा एपी इक्वल टू ए बी बाई टू। ए बी हमारी 6/2, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर। सी क्यू भी निकाल लेते हैं, सी क्यू हो जाएगा सी डी बाई टू। सी डी हमारी 8 है, 8/2, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर। और हमने यहां पे कर दिया ज्वाइन ओ एंड ओ सी, ओ ए और ओ सी को हमने ज्वाइन कर दिया। देन यहां लिख गया है, देन ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। बता दें अब इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट एंगल ट्रेंगल, फ्रॉम द राइट एंगल ट्रेंगल ओ पी ए, ओ पी ए वी है वी है, डायरेक्ट लिखेंगे ओ पी स्क्वायर, इसमें यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम ओ पी स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे, ओ पी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या दिया गया है, ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये 9, ये आ जाएगा 16, यानी ओ पी स्क्वायर इंप्लाइज दैट OP स्क्वायर इंप्लाइज दैट OP इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, √16 इंप्लाइज दैट OP इक्वल टू कितना आया 4 सेंटीमीटर। क्लियर। इसी प्रकार हम लेंगे फ्रॉम द राइट एंगल ट्रेंगल ओ क्यू सी वी है ओ सी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर, इसको बना दिए ओ क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ओ सी स्क्वायर माइनस सी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अरे स्क्वायर टू सही बन जाओ ये। ठीक है, यहां पर ये होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर,
फाइव का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25। 25। फोर का स्क्वायर 16। यानी ओ क्यू स्क्वायर इंप्लाइज दैट ओ क्यू स्क्वायर इंप्लाइज दैट ओ क्यू स्क्वायर ये कितना आएगा? 9 है ना। तो ओ क्यू इक्वल टू रूट 9 इंप्लाइज दैट ओ क्यू कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना नोट कीजिए। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम निकालेंगे क्या? पी क्यू। देयरफोर पी क्यू इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ओ पी माइनस ओ क्यू। ये तो होगा ओपी कितना फाइंड किया गया? 4 और ये 3। 4 में से 3 गया कितना आया? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी पी क्यू हमारा कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। यही फाइंड करना था, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ पी क्यू। आंसर आ गया लेंथ ऑफ द पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पी क्यू 1 सेंटीमीटर। नोट कर लिया? यस सर। बिठा दे? यस सर।